इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड हैक के बारे में। ठीक है, एक ऐसा हैक दूंगा मैं जो आपके ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, अभी ये वीडियो में जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोचना किस तरह से है। ठीक है, जब आप अपना फेसबुक ऐड क्रिएट कर रहे होगे तो उस वक्त आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि जो आपका फेसबुक ऐड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लाकर दे सके। ठीक है, या आपके ऑनलाइन बिजनेस को अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो भी आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसमें आपको अपने कस्टमर का पेन पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, पेन पॉइंट क्या है, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, जहाँ पर उसको तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को आप कैसे दूर कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उसका पेन पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को लोगे और उस प्रोडक्ट को लेकर के ये सोचो कि इस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट किसकी दिक्कतों को सॉल्व कर रहा है, या फिर इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट किन लोगों की दिक्कतों को सॉल्व कर देगा। ठीक है, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये तकलीफ है और मेरा जो प्रोडक्ट है उस तकलीफ को दूर करेगा। ठीक है, जब आप ये चीज़ समझ लोगे, ठीक है, जब आप अपने ऑडियंस की पेन पॉइंट को समझ पाओगे और उस पेन पॉइंट को समझ करके अपने ऑफर को क्रिएट करोगे, ठीक है, जो भी आपका ऑफर है, ठीक है, उस ऑफर को जब अपने पेन पॉइंट को समझ के, कस्टमर का पेन पॉइंट को समझ के जब आप अपने उस ऑफर को क्रिएट करोगे, देन डेफिनेटली आपका वो जो ऑफर है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी जो सेल है ऑनलाइन बिजनेस की वो इंक्रीज होने लगेगी। अब ये दोनों जगह काम आता है, आप अगर फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, शॉपिफाई पे सेलिंग कर रहे हो तो भी, और अगर आप एक कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ऑनलाइन बिजनेस में, अपना खुद का कोई कोर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आएगी। आपको कस्टमर के अपने पेन पॉइंट खोजने होंगे, जो उसका सबसे गहरा पेन पॉइंट है, जस्ट फाइंड दैट। ठीक है, और उसके अराउंड आप अपना जो प्रोडक्ट उनके सामने पिच करना शुरू करोगे, देन आपकी जो सेल है, जो सेल का परसेंटेज है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक और बात आती है कि आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, बहुत बार होता क्या है कि लोग देखते हैं प्रोडक्ट को लेकिन वो लेते नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है वो बिजी हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चलो बाद में कर लेंगे कभी, लेकिन वो नहीं कर पाते। ठीक है, उसके लिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। अब आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, देखो, जब भी आप अपना फेसबुक ऐड क्रिएट करते हो, वहाँ पर जो भी आपका जब हेडलाइंस होती है, प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं वगैरह, वहाँ पर आप कोशिश करो कि आप कस्टमर को ग्रैब करो, प्लस उसको फोर्स करो कि अगर आज तुमने इस चीज़ को मिस किया, देन ये चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, या इस चीज़ में और कुछ चीज़ें तुम मिस कर जाओगे, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को लगे कि यार अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो शायद आगे जाकर प्राइस बढ़ जाए या कुछ और चीज़ें हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिखते हो फ्री शिपिंग ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हो फ्री शिपिंग, और आगे लिख सकते हो लिमिटेड टाइम ओनली। ठीक है, यानी कि फ्री शिपिंग आप लिमिटेड टाइम ओनली तक कर रहे हो, यानी कि उस कस्टमर पे एक ये चीज़ आएगी कि हो सकता है मैं अपनी फ्री शिपिंग को खो दूं अगर मैं आज नहीं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूं। या फिर आप ये कर सकते हो फ्री शिपिंग फॉर टुडे, ठीक है, या फिर जब आप लिखते हो 50% ऑफ, तो वहां पर आप कर सकते हो, जैसे फ्लैश सेल चलाते हैं हम लोग जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या फिर किसी और प्रोडक्ट के लिए हम फ्लैश सेल चलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लिखते हैं दैट फ्लैश सेल इतना परसेंट ऑफ फॉर दिस मेनी डेज। ठीक है, आपको भी ये काम करना है जब भी आप अपना ऑफर रखते हो, सामने रखते हो, जैसे आप, मैंने देखा बहुत सारे लोग लिखते हैं 50% ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ से वो चीज़ नहीं आ रही है। अगर आप लिखोगे 50% ऑफ फॉर टुडे ओनली और 50% ऑफ फॉर द नेक्स्ट 5 आवर्स, ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, आप अगर अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो लोगों के मन में, ठीक है, देन आप वहाँ पर मजबूर कर रहे हो लोगों को कि वो इसी वक्त एक्शन लें। क्योंकि देखो, जो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहाँ पर इंपल्सिव बाइंग होती है, यानी कि प्रोडक्ट पसंद आया और वहाँ से तुरंत बाइंग हो जाती है, और वहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं। लेकिन आप जब अर्जेंसी क्रिएट करोगे, जब आप ये चीज़ डालते हो, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप ये चीज़ रखोगे वहाँ पर, ठीक है, तो आपके जो मैट्रिक्स होंगे उस मैट्रिक्स में जो आप देखोगे सेलिंग मैट्रिक्स, वहाँ पर आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस है जो आपको करने होंगे अपनी अर्जेंसी क्रिएट करने पर। इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करो कि आप अपनी अर्जेंसी को क्रिएट करो, ठीक है, पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के साथ ऑफर क्रिएट करो, ऑफर क्रिएट करने के बाद आप कस्टमर की अर्जेंसी को देखो, और अर्जेंसी को देखते हुए आप वहाँ पर अर्जेंसी को, सॉरी, क्रिएट करो अर्जेंसी को, ठीक है, कस्टमर का पेन पॉइंट समझो, ऑफर क्रिएट करो, और उस ऑफर के अंदर अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है, कि कस्टमर उसको खरीदे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, दैट इज़ फॉलो अप। ठीक है, देखो, जब आप फिजिकली होते हो तो फिजिकल आप फॉलोअप खुद से जाकर करते हो, मीटिंग करते हो वगैरह वगैरह, लेकिन ऑनलाइन में फॉलोअप कैसे होता है, ऑनलाइन में फॉलोअप होता है जब आप रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग ऐड करते हो। ठीक है, आप अपनी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करो अपने फेसबुक एड्स के लिए, यानी कि ऑडियंस जो कि ऐड टू कार्ट किया है जिन्होंने पिछले 3 दिनों के अंदर, ठीक है, ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया पिछले 14 दिनों के अंदर, अगर आप वीडियो एड्स चलाते हो तो ऐसे कस्टमर जिन्होंने आपकी 25% वीडियोस देखी हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, ऐसे करके आप अपने अलग अलग कस्टमर, एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लो। ठीक है,
और वहां पर आप रीटारगेटिंग ऐड करना शुरू करो, वहां से भी आपको काफी अच्छे कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे वार्म कस्टमर होते हैं, ठीक है। जो आप शुरू में जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो एकदम कोल्ड कस्टमर को, कोल्ड ऑडियंस होती है, उस कोल्ड ऑडियंस को आप टारगेटिंग करते हो, लेकिन जब आप रीमार्केटिंग करते हो, रीटारगेटिंग करते हो, तो वहां पर आपकी जो ऑडियंस होती है वो वार्म ऑडियंस होती है, वो आपको जान रही होती है, और वहां पर कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये चीज को मिस मत करो, बहुत सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं फॉलो अप को, ठीक है, डोंट मिस दिस, ठीक है। फॉलो अप कैसे करोगे, आप अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आई बटन पे होगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कैसे आप फेसबुक में कस्टम ऑडियंस क्रिएट करोगे। और फेसबुक का तो पूरा कोर्स है यार वीडियो का, ठीक है, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पर चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था इंस्टाग्राम के ऊपर, जो मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई है। अगर आप चाहते हो कि आप कभी क्वेश्चन मैं उठाऊं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा, एक जनरल क्वेश्चन होगा, तो मैं ज़रूर उसको पिक करूंगा और उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी और बहुत सारी लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो एक ये हैक होता है भाई कि फेसबुक एड्स को कैसे आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेकर आए आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और यार 1000 सब्सक्राइबर कराओ, तो फिर देखते हैं कुछ लाइव वाइव आते हैं और फिर बातचीत करते हैं आप लोगों से, है ना। डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी दबा देना, और लाइक कर देना यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक वाइक कर देते हो, तो ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।